समाजवादी का बच्चा बच्चा खुद में एक अखिलेश है और निराशा में आशा का दीपक है संदेश है। समाजवादी का बच्चा बच्चा खुद में एक अखिलेश। नमस्ते, सलाम बंदन, आजाद भारत की आवाज और आप देख रहे हैं न्यूज न्यू इंडिया चैनल के साथ। दोस्तों, हमारे बीच में समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बंबई आदरणीय आसिम अबू आजमी साहब मेरे बीच में मौजूद है और हम इनका इस जरवा रोड की पावन धरती पर स्वागत करते हैं। सर, आपका धन्यवाद। आपका और आपका विशेष तौर पर दिल से धन्यवाद देते हैं आपको। सर, क्या कहना चाहेंगे आज? मैं इस उत्तर प्रदेश की धरती पर जो लोग हमारे देश के संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं, जो लोग मेरे देश की गंगा जमनी तहजीब को बर्बाद करके सिर्फ धर्म को लाकर बीच में लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, उनके खिलाफ मैंने एक हल्ला बोल आंदोलन शुरू किया है। और हम लाल टोपी वाले लोग, क्रांतिकारी लोग, इन नापाक लोगों से उत्तर प्रदेश को पाक करके, श्री अखिलेश यादव जिन्होंने 2012 से 17 तक इतने काम किए कि अगर मैं गिनाने लगूंगा तो कई घंटे लग जाएंगे, उनको गद्दी पर बिठाने का हमारा एक संकल्प है। जी नहीं, एक चीज़ और कहेंगे सर, 22 में अखिलेश जी आ रहे हैं, काफ़ी लोग भी कह रहे हैं, तो इस पे क्या कहेंगे सर? नहीं, आ गए, खाली बाकी है वोट डालने का। जी, जितने लोग जो पिछली बार हमसे दूर थे, एक भ्रम के अंदर कि भैया आए हैं तो इस देश को चमका देंगे, 15-15 लाख रुपए आ जाएगा, न जाने कितने कितने वादे, 2-2 करोड़ को नौकरियां मिल जाएंगी और हर जिले में हर शहर में अस्पताल बन जाएगा, कुछ नहीं बना, कुछ नहीं। जब पूछा था कि भाई आपने क्या किया, बोले ये तो हमारा जुमला था। ये अब देखिए, समाजवादी पार्टी की ताकत की डर से अब ये राशन जो है ना 5 किलो से 10 किलो दे रहे हैं, लेकिन मैं पूछूं कि महाराष्ट्र में दे रहे हैं क्या? बोले नहीं, वहाँ क्यों दूँ? बोले मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं, यूं जा रहे हैं जैसे हमें जानते सर, नहीं। सर, एक चीज़ और कहेंगे, किसी स्टेट में 10 किलो नहीं बल्कि 5 किलो ही बंद कर रहे हैं और यहाँ 10 किलो दे रहे हैं, तो जनता क्या मूर्ख है क्या? जनता जानती वोट लेने के लिए कर रहे हैं, और जिस दिन एक इलेक्शन मिल गया, वोट मिल गया, उस दिन कहेंगे यहाँ ही बंद कर दो, अब अगला इलेक्शन हरियाणा में होगा तो वहाँ 10 किलो दूंगा और इलेक्शन के बाद वहाँ ही बंद कर दूंगा। तो ये इनका काम है। किसानों का बिल जो है माफ़ इसलिए कर दिया कि मुझे वोट लेना है, और जब किसानों का जब वोट ले लेंगे तो दूसरा बिल लेके आ जाएंगे। यहाँ की जनता अच्छी तरह से इन अपॉर्चुनिस्ट लोगों को, इब्नुल वक्त को पहचान चुकी है और अब कोई बहाना चलने वाला नहीं है। अब चारों तरफ से आप अगर आएंगे लखनऊ में ना, 2 बड़े बड़े हॉल हैं, 1000 आदमी बैठने का, पूरा भरा हुआ है, लोग हाथ जोड़ रहे हैं। हम लोगों को बुलाते हैं पार्टी ज्वाइन करो, लोग हमसे कह रहे हैं हाथ जोड़ के हमको ज्वाइन करवा लो। ये दिन आ चुका है समाजवादी पार्टी का। जी, चलते चलते छोटा सा सवाल और, देवी पाटन मंडल के लोगों के लिए समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए क्या मैसेज देना चाहेगी अंत में सर? देखिए, समाजवादी पार्टी इस देश में सब धर्म के साथ, हर इंसान के साथ एक तरह का व्यवहार करना चाहती है। सभी इंसान ऊपर वाले अल्लाह के हैं या भगवान, उन्हीं के बनाए हुए हैं, सबके खून लाल हैं। इस देश में रहने वाले समाज के तमाम दबे कुचलों की आवाज़ समाजवादी पढ़ के निकलना चाहती है। आप सब आइए, साथ रहिए और हम सब मिलकर के सरकार बनाएंगे। देखिए, महाराष्ट्र समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष माने अबू आसिम आजमी साहब का आज गोंडा जाते हुए जरवल रोड से आगमन था। मैंने उनसे गुजारिश की, उन्होंने यहाँ कार्यक्रम दिया, उनकी भव्य स्वागत किया गया और एक जनसभा को उन्होंने संबोधित किया है। सिर्फ उनका लक्ष्य, वो महाराष्ट्र से उत्तर प्रदेश में आए हैं समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने के लिए, माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए। उनके बारे में आप जानते हैं कि वो उत्तर भारतीयों के नेता हैं, हिंदू मुसलमान या किसी का भी जो उत्तर भारतीय महाराष्ट्र में रहता है उनके लिए लड़ाई लड़ते हैं, और आज उन्हीं से कहने आए हैं कि इस जो ये जो अलोकप्रिय सरकार है, ये जो अहंकारी सरकार है जिसने संविधान को ताक पर रख करके सारे फैसले ले रही है, गरीब विरोधी है, किसान विरोधी है, इस सरकार को हटा करके माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में सरकार बनाने के लिए लाखों लोग अब विधानसभा कैसरगंज में चल रहे हैं। मैं 3 महीने से चल रहा हूं, बच्चा बच्चा आज बोल रहा है कि मसूद आलम खान को चुनाव लड़ाया जाएगा और जिताया जाएगा। एक चीज और कहेंगे, आपके नेता ने बड़ी मैसेज दिया है, उन्होंने कहा कि सभी लोग एक होकर के अखिलेश यादव को वोट करें, उनकी सरकार बनावे, इस पे क्या कहें? नहीं, मैं बिल्कुल कहता हूँ, हमने ये कहा है कि 20 सालों से किसी जिन भी कारणों से समाजवादी पार्टी नहीं जीती है, इस बार जिताना है। माननीय अखिलेश यादव जी ने मुझे व्यक्तिगत कहा है, अखिलेश यादव जी ने मुझसे व्यक्तिगत कहा है कि हम आपको वहाँ चुनाव लड़ाएंगे, आप जाके तैयारी करिए, उनके निर्देश पर हम यहाँ तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, और बाकी समाजवादी पार्टी के लिए सीट जीत करके
उनके झोली में डालने का काम करेंगे। बिल्कुल निश्चित है कि आप लड़ेंगे चुनाव, बिल्कुल नहीं, हम समाजवादी पार्टी से लड़ेंगे। माननीय अखिलेश यादव जी ने मुझे कहा है कि आप जाइए वहां तैयारी कीजिए, आपको चुनाव लड़ाएंगे। तो लगभग 288 के कई गांव में भी आप पहुंच चुके होंगे। मैं कम से कम 350 बूथों पर जा चुका हूँ। 350 बूथों पर हमारा दौरा हो चुका है। मैं 80-85% गाँव सभाओं में जा चुका हूँ। 15 दिन के अंदर पूरे विधानसभाओं में घूम करके सारे बूथों पर जाकर के समाजवादी पार्टी को मजबूत कर रहा हूँ, मजबूत करने का काम। दोस्तों, हम आज आपको पुनः फिर से दिखाएंगे जनपद बहराइच के कैसरगंज 288 विधानसभा के अंतर्गत। इस वक्त आप देख रहे हैं सर्वप्रथम अबू आसिम आजमी, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं महाराष्ट्र के समाजवादी पार्टी के। उनका प्रथम आगमन गोंडा हो रहा है, उसी के दौरान वो सीधे जरवल रोड पहुंचेंगे। और आप देख रहे हैं मसूद आलम खां, जो 288 विधानसभा के समाजवादी पार्टी के संभावित प्रत्याशी हो सकते हैं। उनके नेतृत्व में महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष का भव्य तरीके से स्वागत, अभिनंदन किया जाएगा, इस्तकबाल किया जाएगा। आप तस्वीरों में देख रहे हैं अबू आसिम आजमी का आगमन हो चुका है और यहाँ पर हजारों की संख्या में लोग मौजूद हैं, पैर रखने की जगह नहीं है। दोस्तों, मैं सीधे तस्वीरों में इस वक्त प्रदेश अध्यक्ष महाराष्ट्र की तस्वीरों को आपको दिखा रहा हूँ। वो सीधे मंच पर पहुंच चुके हैं और आज ये सभी रिपोर्ट आप देख रहे हैं देवी पाटन मंडल का सबसे चर्चित न्यूज न्यू इंडिया के साथ। आप देख रहे हैं अबू आसिम आजमी आज सर्वप्रथम बहराइच के आगमन के दौरान वो सीधे जरवल रोड पहुंचे। मंच पर आप देख रहे हैं यहाँ पर हर दिल अजीज नेता मसूद आलम खां की तस्वीरों को आप देख रहे हैं। वो मंच पर मौजूद है और एक बड़ी सी माला के द्वारा महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष समाजवादी पार्टी अबू आसिम का स्वागत, अभिनंदन, इस्तकबाल किया जा रहा है। ये सभी तस्वीरें आप देख रहे हैं जरवल रोड से, विधानसभा 288 से आप देख रहे हैं। और यहां पर जोरदार तरीके से नारेबाजी भी हुई और अब आप तस्वीरों में देख रहे हैं कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए मसूद आलम खां, जो समाजवादी पार्टी 288 से संभावित प्रत्याशी हो सकते हैं। यहाँ पर उन्होंने कार्यकर्ताओं का हर्षवर्धन किया, वो कार्यकर्ताओं का कोटि कोटि धन्यवाद ज्ञापित किया। उन्होंने समाजवादी पार्टी के किए गए कार्यों का बखान करते हुए नौजवान समाजवादी कार्यकर्ताओं को जागरूक करने का काम किया। तस्वीरों में आप देख रहे हैं मसूद आलम खां की तस्वीरों को आप देख रहे हैं, जिन्होंने कार्यकर्ताओं का हर्षो उत्साहन किया। और अब आप तस्वीरों में मंच की तस्वीरों को मैं आपको दिखा रहा हूं। यहां पर आप देख रहे हैं समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए वरिष्ठ पदाधिकारी व कार्यकर्ता भी मौजूद हैं और यहां पर सीधे अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे हैं मसूद आलम खां। यहां पर कार्यकर्ताओं को उन्होंने संबोधित किया। दूसरी तरफ मैं आपको ले चल रहा हूं, जो मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे थे अबू आसिम आजमी। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, प्रदेश अध्यक्ष हैं मुंबई के, ये यहाँ पर जब पहुंचे हर्षोल्लास के साथ कार्यकर्ताओं ने जोरदार तरीके से नारा लगाया, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, मसूद आलम जिंदाबाद के नारों से जरवल रोड का चौराहा आज गूंज गया। दोस्तों, यहाँ पर देख रहे हैं जोरदार तरीके से स्वागत, अभिनंदन किया गया। अब अपने कुछ कार्यकर्ताओं के साथ मौजूद हैं हर दिल अजीज नेता मसूद आलम खां, यहाँ पर कार्यकर्ताओं के बीच घिरे हुए हैं। जैसा कि हमने आपको बताया, पैर रखने की जगह नहीं है इस वक्त। जरवल रोड चौराहे की तस्वीरों को आप देख रहे सोशल मीडिया के लाखों दर्शकों से मैं निवेदन करता हूँ, इस वीडियो को लाइक करते रहिए और मेरे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करते रहिए, जिससे हम भविष्य में और वीडियो आप तक पहुंचा सके। जय समाजवाद, जय हिंद।